हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे OU सेट 2021 के बारे में। तो इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, उसे कैसे चेक करना है, कहाँ से जाकर अपना इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है OU सेट 2021 और आगे आपको लिखना IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको OU सेट 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट सारे नोट्स में मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे आपको सर्च कर लेना। सर्च करते आपको यहाँ पर दिखेगा IASpaper.net, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आप IAS पेपर के वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा OU सेट 2021 CP गेट एडमिशन एडमिट कार्ड रिलीज़। एडमिट कार्ड जो है इसका रिलीज़ हो चुका है, डेट्स आउट हो चुके हैं, इसके एलिजिबिलिटी पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इसी पेज में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा OU सेट 2021 नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड रिलीज़। OU सेट CP गेट 2021 एडमिट कार्ड हैज़ बिन रिलीज ऑन 14 सितंबर। उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे आपको फिल कर लेना। आपको फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका सिटी गया, सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या, आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी जो भी है उसे सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे आपको OU सेट 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नोट्स बन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट सारे नोट्स में मिलते रहेंगे। जैसे कि आपने आप दिख रहा है OU सेट CP गेट 2021 एडमिट कार्ड हैज़ बिन रिलीज ऑन 15 सितंबर 2021, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना। उसे सेलेक्ट करके आप अपना आपका जो भी पेपर था एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी पेपर है उसे आपको सेलेक्ट करके आप डाउनलोड